हेलो कुल्लू, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं कुल्लू शहर की कुछ चुनिंदा खबरें। तो आइए करते हैं शुरुआत। रोजगार की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए लारजी पंचायत के लोग। बेहतर शिक्षा का बीड़ा उठा रहा वाशिंग गांव में खुला पुस्तकालय। कुल्लू का शरण गांव बनेगा हैंडलूम टूरिज्म विलेज, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने किया सिलेक्ट। 4 साल में कितने बदले कुल्लू के वार्ड। और अब समाचार विस्तार से। एशिया की सबसे महत्वपूर्ण पार्वती जल विद्युत परियोजना में रोजगार को लेकर लारजी ग्राम पंचायत के लोगों का क्रमिक अनशन जारी है। 5 दिन बीत जाने के बाद जब NHPC प्रबंधन, सरकार और स्थानीय विधायक अनशन को लेकर पसीजे नहीं, तो अब ग्रामीणों ने हक की लड़ाई के लिए उग्र आंदोलन करने का निर्णय लिया है। स्थानीय लोगों समेत पंचायत प्रतिनिधि भी क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। हम ग्राम पंचायत लारजी के निवासी के सहयोग से आज हमारा 5वां दिन क्रमिक अनशन का है। हम 5 दिन से हम सभी बहनें और अन्य लोग क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। इस क्रमिक अनशन के बीच में ना NHPC, ना सरकार, ना प्रशासन कोई सुध ले रही है। कोई हमारे को पूछ नहीं रहा है। हम पुनः NHPC को चेतावनी देते हैं कि अगर हमारी इस प्रदर्शन को इन्होंने नहीं माना तो ये आगे उग्र रूप धारण कर सकता है, जिसकी जिम्मेदारी NHPC प्रबंधन स्टेज सी की होगी। धन्यवाद। मैं जावे राम ठाकुर, पूर्व पंचायत समिति सदस्य, बताना चाहता हूँ कि हमारा क्रमिक अनशन आज 5वें दिन जारी है, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक हमारी लोगों की सुध लेने ना तो कोई सरकार का राजनेता और ना ही NHPC का कोई अधिकारी और ना ही कोई जिला प्रशासन का अधिकारी पूछ लेने आया है। मैं सब लोगों की तरफ से NHPC प्रशासन, प्रदेश सरकार के नेता, स्थानीय विधायक और जिला प्रशासन को आगाह करना चाहता हूं कि अगर आप समय रहते लारजी पंचायत के लोगों की सुध नहीं लेते हैं तो ये आंदोलन और उग्र हो जाएगा। हम आप सबको मालूम है कि हमारा जो अनशन है ग्राम पंचायत लारजी का, जो अनशन है ये 5वें दिन में आज प्रवेश कर चुका है। आज हमारे 3 लोग क्रमिक अनशन पर बैठे हैं, जो कल सुबह तक बैठेंगे और कल से अगले 3 लोग आएंगे। हम यहां से जो है प्रशासन, सरकार और पूरा NHPC प्रबंधन को चेताना चाहते हैं कि ग्राम पंचायत लारजी जो है घबराई नहीं है और ना ही हमारे युवा साथी घबराए हैं। पुस्तकालय अगर गांव में भी खुल जाए तो समझना चाहिए कि हम सही राह पर हैं। कुल्लू के बाशिंग गांव में खुली यह लाइब्रेरी भी यही संदेश देती है। आजकल क्षेत्र में इसी पुस्तकालय के चर्चे हैं। अध्ययन एवं संघर्ष छात्र संगठन द्वारा चलाई जा रही लाइब्रेरी में वर्तमान में 100 से अधिक छात्र रोजाना अध्ययन करने के लिए पहुंचते हैं। वर्ष 1993 में वाशिंग गांव के नौजवानों ने मिलकर यह बीड़ा उठाया था, जो आज बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं। दिल्ली की एक संस्था रीडर फॉर टुमारो के साथ मिल आज इस संस्था ने कुल्लू की 3 अन्य पंचायतों में भी रीडिंग नेस्ट स्थापित किए हैं। लाइब्रेरी में छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी विशेष तौर पर तैयार किया जाता है। अब संस्था बुक बैंक स्थापित करने की तैयारी में जुट गई है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अलग करने का जुनून और कुछ चार दोस्तों की एक ऐसी सोच जो आज एक बड़े मुकाम पर पहुंच गई है, जिसने कुल्लू के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां शिक्षा का अलग जगाया है, वहीं आज इस संस्था के कार्य हर व्यक्ति सराह रहा है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए ये संस्था किसी मसीहा से कम नहीं है।
आइए आज आपको ऐसी ही एक संस्था से रूबरू करवाते हैं जिसने कुल्लू के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में एक अनोखी पहल की है। बात यहाँ जरूरतमंद बच्चों की हो या जरूरतमंद परिवारों की हो, उन सभी के लिए ये संस्था किसी मसीहा से कम नहीं है। आइए आज दिव्य हिमाचल वेब टीवी आपको एक ऐसी संस्था से रूबरू करवाने जा रहा है जो गरीब बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण काम कर रही है। बात हम कर रहे हैं SSSA संस्था की, जो बाशिंग में अपनी एक अनोखी लाइब्रेरी चला रही है जिसमें वर्तमान समय में 100 से अधिक छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आइए संस्था के अध्यक्ष ख्यालू राम जी से इस विषय पर चर्चा करते हैं। ख्यालू राम जी, आपका दिव्य हिमाचल वेब टीवी में स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, आपके जहन में कब ऐसा ख्याल आया कि इस क्षेत्र में कोई शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ऐसा कार्य किया जाए जो हर बच्चे के लिए फायदेमंद साबित हो? सर, ऐसा है, वर्ष 1993 में जब हम लोग कॉलेज स्तर में पढ़ते थे उसमें हमने देखा कि गांव में कुछ बच्चे गरीबी के कारण, जिसमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम या कोई और समस्या के कारण, वो जो स्कूल जाना छोड़ देते थे। इसलिए हमारे कुछ दोस्तों के साथ, चार पांच दोस्तों के साथ हमारी एक बैठक हुई और हमने काफ़ी विचार विमर्श किया कि यार इस समस्या से जो है, जो हमारे जो बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो इनके लिए क्या किया जाए। तो काफ़ी विचार विमर्श करने के पश्चात हमने ये निर्णय लिया कि एक संस्था का निर्माण किया जाए ताकि जो गरीब से गरीब बच्चों को जो है शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करें। सर, आपने अपनी संस्था का नाम SSSA रखा है, थोड़ा इसके बारे में बताएं सर। SSSA, ये इसका अंग्रेजी का नाम है, इसका जो हिंदी रूपांतरण है वो है अध्ययन एवं संघर्ष छात्र संगठन। ये इसलिए कि हमने जब बच्चे को शिक्षा क्षेत्र में आगे लाने का प्रयास किया तो हमारा जो मेन जो फोकस था वो ये था कि हम एजुकेशन तो ले ही लें, साथ ही साथ ही उसके साथ ही हम स्ट्रगल भी करते रहें, चाहे वो स्ट्रगल शिक्षा क्षेत्र में हो, चाहे अपनी नौकरी पेशा के नौकरी में आने के लिए स्ट्रगल करना हो, चाहे समाज के दूसरे जो कार्यक्रम है उसमें करना हो, तो उसके लिए हमने इस तरह कार्यक्रम रखा है। और इस जो संगठन का नाम था वो हमने अध्ययन एवं संघर्ष छात्र संगठन, क्योंकि इसमें जो है मैक्सिमम छात्रों को जोड़ा गया है, इसलिए इसके नाम जो छात्र संगठन रखा गया। और यहाँ पे वाशिंग जो लाइब्रेरी खोली हुई है बच्चों के लिए है जो उनके स्पोर्ट में हो, यहाँ पे काफ़ी सारी बुक्स है जो उनके पढ़ने में उनकी मदद करे, और यहाँ पे काफ़ी बच्चे आते भी हैं जो यहाँ पे पढ़ते हैं, काफ़ी संख्या में आते हैं। और थोड़े टाइम से यहाँ पे कोचिंग यहाँ पे चल रही थी इंग्लिश और मैथ से रिलेटेड, और उसमें भी बच्चों को काफ़ी मतलब सहायक हुई है वो, जो यहाँ पे उन पे मतलब यहाँ पे उनको पढ़ाई से रिलेटेड उनको काफ़ी मदद मिल रही है, और जो किताबें हैं यहाँ पे वो तो उनको मतलब सपोर्ट कर ही रही हैं, जो उनको मतलब काफ़ी मदद मिल रही है यहाँ से। आपका? मेरा नाम यशपाल है और मेरे दोस्त वगैरह हम यहाँ पढ़ने आते हैं, और यहाँ एक मैडम थे जो हमें इंग्लिश पढ़ाती है, यहाँ तरह तरह की किताबें हैं। क्या पढ़ते हैं यहाँ के? यहाँ के कहानियाँ पढ़ते हैं और यहाँ लिखते हैं, स्कूल का काम करते हैं। क्या नाम बेटा? करण। आप इस लाइब्रेरी में आके क्या क्या पढ़ते हैं? हम कहानियाँ पढ़ते हैं, यहाँ पे डिक्शनरी भी बहुत सी पढ़ने के लिए, और ऐसी है साइंस की। इंग्लिश कौन पढ़ाता है? एक मैम है ना, वो इंग्लिश पढ़ते हैं। अच्छा, और स्कूल का काम? स्कूल का काम भी यहीं करते हैं। ठीक। मनाली से सुशांत शर्मा के साथ दिव्य हिमाचल टीवी के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट। जिला कुल्लू का शरण गांव हैंडलूम टूरिज्म विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू को मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इसके लिए चयनित किया है। जिला कुल्लू के हैंडलूम को विश्व पटल पर विकसित करने के लिए वस्त्र मंत्रालय ने एक तोहफा दिया है। भले ही टूरिज्म को विकसित करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने देश भर के 13 राज्यों को शामिल किया है, लेकिन जिला कुल्लू को पर्यटन की दृष्टि से संवारने के लिए हैंडलूम टूरिज्म विलेज के लिए चुना गया, जिसमें जिला के नगर ब्लॉक के शरण गांव को इसलिए चुना गया कि वहां पर हैंडलूम का कार्य करीब 80 घरों में ग्रामीण महिलाएं करती हैं। पुरानी शैली के मकानों में चल रहा खड्डी सिस्टम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल को पसंद आया है। जिला की पुरानी राजधानी रही नगर गांव की हम आज बात करेंगे। नगर ब्लॉक के तहत आते शरण गांव के आज हम आपको नजारा दिखाएंगे, जिसे हाल ही में केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा जो है एक इस गांव को विकसित करने की एक अनुमति मिली है, जिसके लिए उपायुक्त कुल्लू ऋचा वर्मा का काफी सहयोग रहा है।
आने वाले कुछ दिनों में इस गांव की में जो है विकास के कार्य यहां पे होंगे, किस तरह से यहां पर आज भी पुरानी संस्कृति जीवित है, यहां का पहनावा, यहां का खान पान, खास तौर पर इस गांव का चयन इसलिए किया गया है क्योंकि यहां पर हर घर में जो है महिलाएं स्वयं खड्डी पे बैठकर जो वस्त्र तैयार करती हैं, वो शॉल है, पट्टू है, इस तरह के चीज़ों को तैयार करती है। आने वाले समय में सैलानी यहाँ पर अधिक संख्या में पहुँचे और वे स्वयं यहाँ पे आके देखें कि किस तरह से यहाँ की ग्रामीण महिलाएं इन ऊनी वस्त्रों को तैयार करती है। सैलानियों को भी यहाँ पर अपने आँखों के सामने देखने को मिलेगा किस तरह से यहाँ कुलवी संस्कृति जो इस शरण गांव को हैंडलूम टूरिज्म विलेज के तहत जो है डेवलप किया जाएगा। केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय की ओर से जो गांव का चयन है वो किया गया है। खास बात ये रही है कि 13 राज्यों में जिस तरह से कुल्लू जिला उभर कर सामने आया है, प्रशासन जब आए थे उन्होंने ये बोला कि यहां पे इस गांव को जो ये हैंडलूम टूरिज्म विलेज गया है इसको थोड़ा विकसित करेंगे, तो हमारे को भी इस बात की बहुत खुशी है कि वो यहाँ के हमारे इस गांव को थोड़ा सा विकसित करेंगे। और यहाँ पे वैसे तो बहुत से सैलानी आते हैं बट कुछ रहने का कोई वो नहीं है, तो अभी थोड़ा सा उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो पट्टू है जो यहाँ की महिलाएं बनाती है उसका थोड़ा रोज़गार भी उनको मिलेगा, तो प्रशासन से यही है कि जो बेरोज़गार है उनको भी थोड़ा सा रोज़गार मिले। ये डेवलप कर रही है, हमें भी इसका रोज़गार मिलना चाहिए और हमें खुशी होगी कि भाई हमें अपने कामों से जो डेवलपमेंट हो रहा है और लाभ मिलेगा। एक बहुत ही गर्व की बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा कुल्लू जिला में एक विलेज को जिसका नाम है शारण विलेज को हैंडलूम टूरिज्म विलेज के नाम से डेवलप किया जाएगा। कुल्लू को सिलेक्ट किया गया, पूरे भारतवर्ष में 13 ऐसे साइट सेलेक्ट किए गए थे जिसमें से कुल्लू भी एक है, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इससे हम अपनी संस्कृति को, जो कुल्लू की संस्कृति है वो भी टूरिस्ट को दिखा पाएंगे, वो विलेज में जाके खुद देखेगा कि किस तरह से हमारी महिलाएँ हैं, हमारे लोग हैं, वो बहुत मेहनत से हमारे जो कुल्लू के परिधान है, जो हमारे शॉल हैं, हमारे पट्टू हैं, वो कैसे खड्डी के ऊपर बनाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है और इससे टूरिज्म भी बहुत प्रमोट होगी। कुल्लू के शरण गांव से दिव्या हिमाचल वेब टीवी के लिए मोहर सिंह पुजारी के साथ शालिनी राय भारद्वाज। नगर परिषद के चुने हुए प्रतिनिधियों के कार्यकाल को 4 साल पूरे हो चुके हैं। इसी कड़ी में वार्ड 1 के लोगों को 4 साल में कितनी सुविधा मिली है, इसे लेकर यहाँ के लोगों ने दबी जुबान में तो काफी समस्याएं जाहिर की, लेकिन कैमरे के आगे आने से भी लोग कतराते दिखे। हालांकि वार्ड 1 में कई लोगों ने अपनी समस्याएं भी साझा की। लोगों की माने तो उनके वार्ड में अभी भी कई समस्याएं बची हैं, जिसे लोगों को अगर बताना हो तो पार्षद कभी मिल ही नहीं पाते, जिसके कारण उनके काम रुक जाते हैं। हालांकि कई लोगों ने पार्षद के काम की सराहना भी जमकर की, लेकिन वास्तविकता में अगर वार्ड की हालत देखें तो यहां गंदगी के ढेर भी दिखे, जहां मनाही के बाद भी गंदगी फैली हुई है। बाकायदा कैमरे लगे होने की बात भी यहां कहीं सूचना बोर्ड के माध्यम से लिखी गई है। यही नहीं, वार्ड 1 में बेहद सुंदर कभी पार्क हुआ करता था, उसकी हालत बदतर बन चुकी है। वहीं वार्ड 1 का पार्क जो बाढ़ की भेंट चढ़ गया है, वहां आज बेसहारा पशु दिन भर बैठे रहते हैं। यही नहीं, कुछ दिन पहले एक गौ माता व्यास नदी में भी यहां पार्क से गिर गई थी। वार्ड की समस्याओं व 4 साल में किए कार्यों को लेकर क्या बोले पार्षद? केंद्र सरकार ने अमृत योजना के तहत नगर परिषद कुल्लू को करोड़ों रुपए दिए, लेकिन यह करोड़ों रुपए कहां खर्च हो रहे हैं इसका कोई अता पता नहीं है। हम यहाँ वार्ड नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पर एक पार्क था जो बाहर की भेंट चढ़ा है। इसके बाहर जो पार्क की स्थिति बनी हुई है वो बिल्कुल दयनीय हालत में है। नगर परिषद कुल्लू के वार्ड नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पर उस पार्क में आज कूड़े के ढेर लगे हुए, यही नहीं गौ माता भी इन कूड़े के ढेर पर दिख रही है। ऐसे में यह लग रहा है कि यहाँ पर किसी भी तरह का कामकाज नहीं हो रहा है। सारी गलियों बीच में थोड़ी गलियाँ रह गई, उनको भी पक्का कर दे दे तब ज़्यादा अच्छा रहेगा जी। वार्ड नंबर 1 में ज़्यादा काम तो नहीं हो जाए, अभी पार्किंग का काम एक चला हुआ जो रिसेंटली शुरू हुआ है,
और नालियों की बहुत बुरे हाल है। आप देख सकते हैं हमारे बाहर भी नालियों की साफ सफाई नहीं होती है यहाँ पे। मैं पार्षद वार्ड नंबर 1 राजेंद्र सूद आप मीडिया वालों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और जिस तरह से आपने अभियान चलाया हुआ है हर वार्ड में जो भी विकास कार्य हो रहे हैं उन लोगों तक पहुँचाया जा रहा है, तो उसमें ये है मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूँ कि जो अमृत योजना के तहत 1 से 11 वार्डों तक हर जगह जो है पेवर बिछाने का कार्य चल रहा है, कई जगह पेडेस्ट्रियन पार्क का कार्य है और भी कई विकास कार्य जो है पूरे जोर शोर से चले हुए हैं, और हमारे वार्ड रामकिला में जो है रिवर साइड में जो पार्किंग बन रही है उसका भी कार्य बड़ा युद्ध स्तर से चला हुआ है। ये पार्किंग लगभग 125 मीटर के करीब बन रही है और 25 मीटर की खुदाई की हुई है, जिसके ऊपर अनुमान है कि 25-30 लाख रुपए खर्च आना है। तो हमने एमसी के यू साहब और प्रधान जी से भी बात की है कि इसके लिए फंड मुहैया कराएं, क्योंकि अगर ये 25 मीटर का स्टैंड ही बनता है तो उसमें जो है कल दिन बाढ़ आदि की स्थिति में शहर को नुकसान पहुँच सकता है, इसलिए इस 25 मीटर को स्टैंड को भी पूरा करने की जरूरत है। और साथ ही जो अमृत योजना के कार्यों में जहाँ भी जिस हेड से भी पैसा बचता है उसे इस पार्किंग को रामशिला पार्किंग को हनुमान मंदिर तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि जो है लोगों को जाम से निजात मिल सके और इसके साथ ही लोगों को बाईपास की सुविधा भी मिल सके। धन्यवाद। कुल्लू से दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए शालिनी राय भारद्वाज के साथ मोहर्सी। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।